हे माय इंस्टाग्राम फैमिली, मैं आप सबकी प्यारी मधुरा, आप सबके बिना अधूरा अधूरी, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया। मैम क्या है? कुछ नहीं, आप अपना रील्स कर रहे हो। रीटेक करते हे हे गाइस, मैं आप सब फैमिली बोल रही हूँ। हेलो माय इंस्टाग्राम फैमिली, मैं आप सबकी प्यारी मधुरा। मैम सॉरी, आप अपना कंटिन्यू रखो। अगेन रीटेक। अच्छा दिख रही हो ना? हाँ मैम। ऐसा है पुणे, अच्छा लग रहा? बाल नहीं आ रहे कहीं से? नहीं नहीं कहीं से भी बाल नहीं छूट रहा, सब अच्छा है। लिपस्टिक? लिपस्टिक का तो क्या ही कहना, जुबा कैसी जी। आउटफिट कैसा लग रहा है इसको? आउटफिट भी अच्छा है मैम, हरा भरा घास पूस। हे माय इंस्टाग्राम फैमिली। मैम थोड़ा पीछे हो जाओ मैम, आपका बैकग्राउंड और क्लियर दिखेगा, साथ में आपका फेस भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा पीछे। हे माय इंस्टाग्राम फैमिली, मैं आप सबकी प्यारी मधुरा। किसका कॉल है वो? किसका कॉल है? गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट। ओह नो, सारा रील का मेरा मूड चला गया। अभी नहीं करती मैं रील्स, रील्स ही नहीं करती आज। मैम क्या है, आप बोलो। कुछ नहीं मैम। नहीं, जब मेरा रील्स चल रहा था तब तो तुम्हें बोलना था, अब रील्स खत्म हो गया तुमको कुछ नहीं बोलना। सामने आओ, मेरे सामने आओ, एकदम आंखों में आके डर के बात करो, वैसे बात नहीं करना। बोलो क्या बोलना चाहती हो? सॉरी अभी आई एम जस्ट डूइंग माय रील्स। बार बार आके मैम ये मैम वो, मैम के पास उतने काम नहीं है, मैम के पास और भी काम होते हैं। मैम के इंस्टाग्राम भी है, मैम को रील्स भी डालनी है, मैम को मेकअप भी करना है, मैम को क्लाइंट्स को भी देखना है, सब करना है मैम को। तुमको फीस भी देनी पड़ती है मुझे, देती हो ना? वो भी का टाइम पे देती हो? टाइम पे दूँ या लेट दूँ, देती तो हूँ ना। खुश रहो उसमें। ये चेयर ठीक करवा दी? कर दिया था मैम। ठीक से नहीं है वो, अभी भी वैसा ही आवाज आ रहा है उसका। जा लिया फिर से हो गई एक हफ्ते में। निकाले भी थी या वैसे ही रहने दी? निकाले थे मैम, पता नहीं कैसे हो गए, शायद मकड़ी की वजह से। अभी मुझे साफ साफ बताओ, मैं इंस्टाग्राम की रील्स कर रही हूँ, बार बार मुझे आके टोक रही हो, क्यों टोक रही हो? तुमको पसंद नहीं मैं रील्स करती हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है मैम। मैं वायरल हो रही हूँ, तुमको बुरा लग रहा है? तुम वायरल नहीं हो रहे इतना सब कुछ करने के बाद भी? नो मैम। तो तेरी दुश्मनी है मुझसे? नहीं, तेरी दुश्मनी है तो बोल दे, तुझको निकाल दूंगी। नो नो मैम, आप क्या बोल रही हो? तो क्यों तुम आके बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया? अभी कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं होता ना बच्चा। अगर बात है मन में तो कुछ बोल दो, क्या है? बाहर दुल्हन आई है मैम, उसकी सगाई का लुक करना है। भेजो उसे अंदर फिर। वो नहीं बोल रही है, वो कह रही कि मैम ने 4,000 कहा था पर मैं 3,000 दूंगी, तो उसने पहले मुझे कन्विंस करने के लिए आपके पास भेजा है, उसके बाद वो आएगी, तो आप 3,000 में करने के लिए तैयार हो? ओके, क्लाइंट्स भी ना भेजो, कोई बात नहीं, बोल दो मैम बहुत दिलदार है, आपकी शादी में नहीं आ रही, उसके तरफ से जो 1,000 रुपये है उसमें 1,000 रुपये कट करके दे रही है, भेजो उसको। क्या मुझे बोल दी थी मैं फ्री में जाके खाती, कोई बात नहीं। हे मधुरांग। हेलो, वेलकम टू मधुरास A1 ब्यूटी पार्लर। सिट। क्या बात है, मैंने आपको 4,000 कहा था, आप 3,000 पे रुक गए। डोंट टेक इट सीरियसली मधुराम, 4,000 इज सो मच। ऐसा नहीं होता बच्चा, मैं आपके ऊपर सब अच्छा अच्छा करने वाली हूँ, फिर भी आप मुझे कच्चा दोगे, फिर भी आप मुझे ऐसा नीचा दिखाओगे तो अच्छा नहीं लगता। मेरे कॉस्मेटिक्स देखो, मेरे ब्रांड्स देखो, सब कुछ अच्छा है मेरा, फिर ऐसा क्यों करते हो बच्चा? थोड़ा सा पैसा बढ़ा के दो, तुम भी रहोगी अच्छा, मैं भी रहूंगी अच्छा। नो, 3,000 बराबर है, अगर तुमको नहीं करना है तो बोल दो, मैं जाती हूँ। चलो ठीक है, कर देती हूँ 3,000 में, अभी तुम पुराने कस्टमर हो, जब से कॉलेज गए हो तब से आइब्रो उड़ा रही हो तुम्हारे, कर देती हूँ। वैसे दूल्हा क्या करता है? मेरी वो इंजीनियर है। इंजीनियर है, फिर तो मुश्किल है, परमानेंट तो है ना? परमानेंट। फिर तो तुम्हारी निकल पड़ी।
अच्छा क्या करना है तुम्हें? स्मोकी लुक करना है, न्यूड करना है, डार्क करना है, पिंक करना है, ऑरेंज करोगी, वाइट रखोगी, क्या करोगी? स्मोकी। स्मोकी करना है। कैसा करोगी? दीपिका वाला, आलिया वाला, प्रियंका वाला, कौन सा स्मोकी? तुमको जो अच्छा लगे वो कर दो। वैसा नहीं होता, तुमको पहले मुझे बताना पड़ेगा। व्हाट? ओह नो सॉरी। तुमको पहले मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें कौन से टाइप का स्मोकी चाहिए, उसके हिसाब से मैं पैलेट चूज करूंगी। अगर तुमने कहा मुझे दीपिका चाहिए तो मैं दीपिका लाऊंगी, प्रियंका बोलो प्रियंका लाऊंगी, अनुष्का बोलो उसके घर से उसको लाऊंगी, उनके मेकअप को लाऊंगी, उनको नहीं, उतने मेरा बजट नहीं। तुम मुझे कोई सजेशंस दोगे? अगर मैं तुमको सजेशन दूं, प्रियंका वाला बेस्ट रहेगा। या अभी वो ट्रेंडिंग चल रहा है, हॉलीवुड में चली गई वो, उसका ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग करती है वो। मैं भी थोड़ी सी उनके जैसे दिखती हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग। ओके, हम प्रियंका का करते हैं, है ना बेटा? आगे मैं तुम्हारा स्मोकी कर देती हूँ। अभी लहंगा कौन सा पहनने वाले हो शादी में? मैंने पिंक चुना है, उनकी पसंद थी, वो भी मेरी पसंद वाला कुर्ता पहन रहे। मेहंदी कौन कर रहा है तुम्हारी? मेहंदी मैंने नेहा को दी थी, सब कहते हैं नेहा वाले की बेस्ट मेहंदी है। एक मेरी जितनी सहेलियाँ जिन्होंने शादियाँ की सबने नेहा वाले को चूज किया, तो आई ऑल्सो चूज नेहा। मुझे बता देती, मेहंदी भी करती हूँ मैं, बहुत अच्छी आती है। आज हरा भी पहना है, कब है मेहंदी? आज रात ही मेहंदी है। आ जाओ आज रात। आ जाओ, मुझे इतना टाइम नहीं होता। ओके, आंखें बंद करो बेबी। फेशियल कब किया? 2 दिन पहले। 7 दिन पहले करना होता है बेबी फेशियल को, 7 दिन पहले। तुम्हारी शादी अगर परसों है तो उसे 7 दिन पहले फेशियल करो, अदरवाइज ग्लो नहीं आएगा शादी में। शादी के बाद 7 दिन हो गए फिर तुम्हारे फेस पे ग्लो आता है, उससे क्या फ़ायदा? फोटो तो सब डल हो गए। जब भी शादी करो, शादी से पहले 7 दिन में ही फेशियल, वैक्सिंग, जो तुम्हारा फैलाना डिमकाना कर रहे कर दो, तो क्या होता है स्किन हमारी एकदम अच्छी हो जाती है, और उससे पहले मेकअप हमारा ईजी जाता है। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं स्मोकी। मॉइस्चराइजर। कोयल, कोयल मैम, मॉइस्चराइजर की बोतल लाओ, खत्म हो गई आके, कहाँ पे रखी है तुमने? ये लो मैम। कुछ काम की नहीं, इधर रुको 5 मिनट, कुछ लगता है तो बोलूंगी मैं। बाहर कोई काउंटर पे आ गया तो? कोई नहीं आता है हमारे ब्यूटी पार्लर, अभी कोई नहीं आएगा। आंखें बंद करो। कोल्ड है काफी। इट्स वेरी कोल्ड, और ये ना ये काफी अच्छा आपके डीप इफेक्ट देगा ना, और टिक्के भी रहेगा आपको। मधुराम, साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना स्किन पे? नो, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, इंटरनेशनल पैलेट है, इंटरनेशनल यूज करती हूँ मैं, कुछ इफेक्ट नहीं होता। मैंने लगाया ना अभी, सब इंटरनेशनल है, जैसे सारे लुक्स आते हैं सब आते हैं, सब इंटरनेशनल करते। हेलो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, काउंटर खाली पड़ा है। कोयल हमेशा यहाँ पे खड़ी होती है। कोयल, कुहू, कौन आया? ओह नो मैम, मैंने कहा था बाहर कोई आ जाएगा, अंदर आ जाओ, मैं अंदर ही हूँ। अंदर से आवाज आ रहा है, शायद अंदर होंगे सब, मैं भी अंदर जाती हूँ। हेलो मधुरा। हेलो, प्लीज सीट, अभी एक ब्राइड का लुक चल रहा है। अभी आप रुकिए जरा, मैम ब्राइड का लुक करिए, जैसे मैम का लुक होता है वो आपका करेंगी। तुम्हारा आवाज तो अटकी हुई सीढ़ी जैसा है, ओ ओ ओ। आपका मुंह इतना आगे क्यों है? मैं तो हर महीने आपके पास आती हूँ। या आई नो, आपको कैसे भूल सकती हूँ, ब्रांडेड। दुल्हन का लुक चल रहा है। हाँ, दुल्हन का लुक चल रहा है, स्मोकी आया, प्रियंका चोपड़ा वाला। आपका क्या करना है? स्ट्रेटनिंग करवानी है। 2 महीने पहले आपसे करवा के गए थे, अभी फिर से टेढ़े हो गए, ऐसे स्ट्रेटनिंग करवानी है। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं करना, फिर बैठिए शांत अभी, क्योंकि क्या है, दुल्हन का मेकअप है, बहुत देर लगेगा। कोई बात नहीं, बैठती हूँ, मेरे पास बहुत फ्री का टाइम नहीं होता। आज है
आपके यहाँ पे बिताती हूँ। कोयल, फाउंडेशन लाओ। ये लो मैम। दो जल्दी, क्या है नॉनसेंस, दो जल्दी। आई मिस कर देती हूँ सारे, तो दुल्हन बैठी अभी उसका मुहूर्त शुरू हो जाएगा। मुहूर्त कब है शादी का? शादी नहीं मधुरा, सगाई आज मेरी, 1:30 बजे सगाई का मुहूर्त है। हो जाएगा फिर, डोंट वरी। अगर नहीं हुआ तो दूल्हा कहीं भाग देने वाला, कोई लड़की नहीं देगा उसे। बैठे बैठे क्या करूँ, फनी वीडियोस देखती हूँ, चिप्स भी नहीं लाया, टाइम पास हो जाओ। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, सांस नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। ओह नो, अब जाइए घर जाइए, मैं आपको 1 घंटे बाद बुलाती हूँ। शांत बैठी है नजर आप, क्यों ऐसा कर रहे हो? अब एकदम शांत बैठना बेबी, मैंने तुम्हारे ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दिया है, वो ऑब्जर्व हो जाएगा, फिर फाउंडेशन होगा, बेस लगाएंगे, उसके बाद कंसीलर एंड एंड ब्लश, ठीक है? शांत बैठो आप। वैसे आप कहाँ से आओ? यहीं पे रहती हूँ। यहाँ से कहाँ? भाई मैं भी यही के ऊपर, मैं ऐसा नहीं कहती, अभी मुझे बताना होता है तो मैं ऐसे बताती हूँ। आधा पादा रोड, किलबिल सोसाइटी। वैसे आप कहाँ से आओ? आप शांत बैठती हो कि नहीं? या भगाओ मैं आपको यहाँ से। बहुत हुआ मधुरा, जब से यहाँ पे आई हूँ तब से देख रही हूँ मेरी डिसरिस्पेक्ट किया जा रही हो तुम। ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड। यू जस्ट शट अप, दिस इज A1 ब्यूटी पार्लर, ओके, गॉट इट? मुझे यहाँ पे शोर शराबा पसंद नहीं। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? इसका नेचुरल आवाज निकला। सॉरी, वो थोड़ा सा आवाज अचानक आवाज चेंज हो गया आपका। शट अप, रंग बदल गया, रूप बदल गया, आवाज भी बदल गया। हेलो गाइस, मुझे पता है आप सब बहुत नाराज हो गए क्योंकि कल एपिसोड नहीं आया। यूजुअली संडे को हम मेंटेनेंस ब्रेक लगते हैं और कोई वीडियो नहीं डालते, बट कभी कभी जब फेस्टिवल होता है तब हम जरूर डालेंगे। वैसे अदरवाइज हम संडे को मेंटेनेंस ब्रेक रखेंगे और बाकी के जो 6 दिन हैं तो रेगुलर उस दिन मंडे टू सैटरडे हम एपिसोड अपलोड करेंगे। साथ ही हमने फेसबुक पेज भी ओपन किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाइए और जल्दी से फेसबुक पर भी हमें ऐसा ही प्यार दीजिए। मिलते हैं कल।